कपूर में आंगनबाड़ी केंद्र में बड़ा हादसा हुआ है। जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र की छत का प्लास्टर गिरने से हादसा हुआ, जहां प्लास्टर गिरने से दो बच्चे और एक महिला घायल हो गए। बच्चों के साथ आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची थी महिला। आनन फानन में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। दरिमा थाना क्षेत्र के बेल खरिखा गांव का ये मामला है। श्रवण महंत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण बताएं। आंगनबाड़ी केंद्र का मामला है और वहाँ का छत जो है जर्जर आंगनबाड़ी था, और जिसके बाद से वो छत जो है भरभरा के गिर गया। और जब उस समय आंगनबाड़ी केंद्र में दो महिलाएं थी जो अपने बच्चों को वहाँ लेकर पहुंची थी, और दोनों जो है घायल हो गई हैं। और इसके बाद जो है आनंद फानन में उसको दरिमा के एक निजी अस्पताल में लेकर जाया गया है, और इसके बाद उनकी माँ और बच्चों का जो है इलाज चल रहा है। और ये एक ही मामला नहीं है, इस तरह से कई जर्जर जो स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो जिले में संचालित हैं, जिस पर जो है अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि जब सुपरवाइजर से बात हुई तो उनका कहना था कि इस जर्जर आंगनबाड़ी को लेकर जो अधिकारी हैं उनको जानकारी दे दी गई थी, लेकिन एक बड़ा हादसा जो है टला है, क्योंकि बच्चे घायल ही हुई हैं और ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। जी धन्यवाद श्रवण आपका इस जानकारी के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अंबिकापुर से, जहां आंगनबाड़ी केंद्र में हादसा हुआ है। छत का प्लास्टर गिरने से हादसा हुआ है, महिला और बच्चों को चोट आई है। हालांकि गनीमत है कि ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं, लेकिन जिस तरह से यहां प्लास्टर गिरा है आंगनबाड़ी केंद्र का, वो इस आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। जर्जर हालत में थी आंगनबाड़ी और वहाँ छत पर अचानक उसका प्लास्टर गिर गया, दो बच्चे और एक महिला घायल हो गए। बच्चों के साथ आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची थी ये महिला, तो आनंद फानन में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। दरिमा थाना क्षेत्र के बेलखरिखा गांव का यह मामला है। मौके पर पुलिस पहुंची, वहां लोगों से बातचीत की, क्या हुआ कैसे हुआ इसकी जानकारी हासिल करी। दो बच्चों को लेकर एक महिला आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची थी, अचानक से जर्जर आंगनबाड़ी जो केंद्र है उसकी छत का प्लास्टर नीचे गिर गया। बच्चों और महिला को चोट आई है, गनीमत रही कि ज्यादा गंभीर चोट नहीं लगी। गिरने लायक समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सडनली ये गिरा है और दो चोट लगी है महिलाओं और बच्चों को, हल्की हल्की। और उसकी यहाँ हम लोग फिलहाल अभी दरिमा में है, दरिमा में डॉक्टर मिश्रा के यहाँ, और उनकी उनका ट्रीटमेंट करा दिया गया है, और जैसा भी उनका वो होगा तो उस हिसाब से उनको चिकित्सकीय सुविधा मिल गई है। खरगोन में अवैध शराब के ठिकानों पर एक्शन लिया गया, आबकारी विभाग ने छापा मारा है। 110 लीटर कच्ची शराब यहां से जब्त की गई है, 2350 किलो लहन भी जब्त किया गया है। मौके से दो आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। कसरावद क्षेत्र में ये कार्रवाई हुई है। खरगोन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध शराब के ठिकानों पर यह एक्शन लिया गया है। आबकारी विभाग ने छापा मारा है, 110 लीटर कच्ची शराब और 2350 किलो लहन जब्त किया गया है। वहीं बैतूल में वन विकास निगम का एक्शन देखने को मिला। चार आदिवासियों के मकान को जेसीबी से गिराया गया। आदिवासी परिवारों का कहना है कि उन्हें नोटिस नहीं दिया गया, बिना नोटिस ही वन विकास निगम ने यह कार्रवाई की है। आदिवासियों के चार घरों को जेसीबी से तोड़ा गया है। आदिवासियों के विरोध के बाद कार्रवाई रुकी। डगडगा गांव में वन विकास निगम ने बिना नोटिस दिए ये कार्रवाई की, और ऐसे में बारिश के इस मौसम में खुले में ये आदिवासी परिवार अब रहने को मजबूर हैं। चार परिवार जिनके मकान पर कार्रवाई की गई है, बिना नोटिस दिए इनके मकानों को गिराया गया है, और अब ये लोग सड़क पर ही रहने को मजबूर हैं। वही राजगढ़ में कथा के दौरान कथावाचक को हार्ट अटैक आ गया। पंडित गोपाल कृष्ण महाराज को हार्ट अटैक आया है। कथा के दौरान
हार्ट अटैक से गोपाल कृष्ण का निधन हो गया। वो उस वक्त कथा बांच रहे थे, स्टेज पर ही बैठे हुए जिस समय उन्हें हार्ट अटैक आया। भगवताचार्य गोपाल कृष्ण राजगढ़ के पाडलिया अंजना गांव में प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन देने के दौरान ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उनके जो भक्त थे वो उनके पास पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्टेज पर वो कथा बांच रहे थे, नीचे तमाम भक्त झूम रहे थे। अचानक किसी की नजर पड़ती है कि उन्हें क्या हुआ, वो शांत कैसे हो गए और लोग उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, तब पता चलता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। इस हार्ट अटैक में उनकी जान चली जाती है। कथावाचक गोपाल कृष्ण का निधन राजगढ़ में पाडलिया अंजना गांव में प्रवचन देने के दौरान हुआ। अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां कार में भीषण आग लग गई। कार का एसी फटने से आग लगी। कार में सवार महिलाओं ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने से कार जलकर खाक हो गई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एमजी रोड स्थित साई मंदिर गली के पास ये हादसा हुआ है। तो आग लगने से कार जलकर खाक हो गई। कार में महिलाएं सवार थी, वक्त रहते महिलाएं कार से उतर गई, ये गनीमत रही। और ऐसे में कार में भीषण आग लगी और कार खाक हो गई। कौन सी कार है यहाँ? और अब बड़ी खबर मुरैना से है, जहां जमीन विवाद में पिता पुत्र से मारपीट की गई है। पांच लोगों ने मिलकर पिता पुत्र को पीटा है। संपत्ति बंटवारे के विवाद में ये मारपीट हुई है। कैलारस थाने के चौड़े खरंजा की घटना है। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, झगड़ा जमीन को लेकर था। ऐसे में बाप बेटे से मारपीट की गई है और संपत्ति बंटवारे के विवाद में पांच लोगों ने मिलकर पिता पुत्र को सरेराह पीटा है। ये तस्वीरों में भी आपको नजर आ रहा होगा। अगली खबर गुना से है, जहां पेड़ से बांधकर युवकों के साथ मारपीट की गई। युवकों को बेरहमी से पीटने का वीडियो बनाया गया। पीटते हुए वीडियो बनाकर वायरल किया गया है। इलाके में दहशत फैलाने के लिए मारपीट की गई। दुधई गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। गुना की तस्वीरें, जहां युवकों के साथ मारपीट की गई। पेड़ से बांधकर इन युवकों को मारा पीटा गया है। बेरहमी से युवकों को पीटने का ये वीडियो बनाया गया। पीटते हुए वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। इलाके में दहशत फैलाने के लिए मारपीट की गई। दुधई गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। उज्जैन में एक शख्स ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। हथौड़े से वार कर पत्नी की हत्या की। पत्नी की हत्या के बाद आत्महत्या कर ली। बीती रात दोनों के बीच विवाद हुआ था। उज्जैन थाना क्षेत्र के लेकोड़ा का यह मामला है। पति पत्नी में झगड़ा हुआ। पहले पति ने पत्नी का कत्ल किया, उसके बाद सुसाइड कर लिया। दतिया में थोड़ी ही देर में हुई जोरदार बारिश ने नगर पालिका के सफाई व्यवस्था की पोल को खोलकर रख दिया है। जोरदार बारिश के बाद शहर के बीचों बीच स्थित किला चौक पानी से लबालब भर गया। इसके अलावा पूरे शहर में जगह जगह जलभराव देखने को मिला, जिसकी वजह से सड़क पर चलने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पैदल चलने वाले लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। दतिया की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और थोड़ी ही देर की जो जोरदार बारिश थी, उसने नगर पालिका के सफाई को लेकर किए गए तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी। टीकमगढ़ से अगली खबर है, जहां कांग्रेस विधायक के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। यादवेंद्र सिंह बुंदेला के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। घर के अंदर टीम की कार्रवाई जारी है। दो से तीन अलग अलग एजेंसी हैं जो जांच करने के लिए यहां पर टीमें पहुंची हुई हैं। ये बताया जा रहा है, यादवेंद्र सिंह बुंदेला के घर पर सुबह से ही छापामार कार्रवाई जारी है।
टीकमगढ़ से कांग्रेस के विधायक हैं यादवेंद्र सिंह बुंदेला, जिनके घर पर ये कार्रवाई चल रही है। ईडी की टीम बताया जा रहा है कि पहुंची हुई है। और बुंदेला के ताल दरवाजा स्थित मकान पर बुधवार सुबह ये कार्रवाई हुई है। कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह उस दौरान मौजूद रहे। अभी क्या स्टेटस है कार्रवाई को लेकर, क्या अभी भी टीम मौके पर है या निकल चुकी है, उसकी जानकारी आपको देंगे। लेकिन फिलहाल जैसे ही विधायक के घर पर ईडी की टीम की जानकारी मिलती है, बड़ी संख्या में समर्थक भी बाहर घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। ग्वालियर के जलविहार के पास से दो दोस्तों को किडनैप करने के बाद कुछ ही घंटों में छोड़ दिया गया। एक कार और दो बाइक से आए करीब 10 लोगों ने लालू और सोनू नाम के दो छात्रों को पहले किडनैप किया। इनके साथ मौजूद तीसरे दोस्त ध्यानेंद्र ने पुलिस को खबर दी। लगभग 3 घंटे बाद दोनों ही दोस्तों को छोड़ दिया गया। छोड़ दिए जाने के बाद लालू और सोनू पलाव थाने पहुंचे। जानकारी मिली है कि कुछ दिन पहले लालू और एक लड़की के बीच फोन को लेकर झगड़ा हुआ था। इस विवाद को लेकर अपहरण की घटना हुई है। भाई आप बैठ जाओ, मेहरबानी करके आप बैठ जाओ। और सीधे अब आपको ले चलते छत्तीसगढ़ के रायपुर में, जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। ये बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किया गया है। विधानसभा इलाके में स्कूल भी बंद रखे गए हैं। तो ये गहमा गहमरी कांग्रेस के प्रदर्शन की आप देख रहे हैं। विधानसभा घेराव के लिए कांग्रेसी निकले हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस की यहां पर व्यवस्था किस तरह से धराशायी होती नजर आ रही है वो आप देख सकते हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे। पहले से ही ये बात कांग्रेस की ओर से कही गई थी। इसी को देखते हुए विधानसभा इलाके में स्कूल्स को बंद रखा गया था। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी कांग्रेस के आज के इस आह्वान में मंच पर मौजूद रहे और कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर निकले विधानसभा घेराव के लिए। कानून व्यवस्था का मुद्दा, सरकार की अलग अलग मोर्चों पर नाकामी, इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस ने इस विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। और अब तस्वीरें आप देख रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए रस्सियां यहां पर लगाई गई हैं ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे ना बढ़ पाए। जिस समय मंच से प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने संबोधित किया था, उस दौरान की तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर। सभी कांग्रेसी यहां पर जो दिग्गज हैं वो इकट्ठा हुए। मन से संदेश देने की कोशिश भी की गई कि कांग्रेस एक है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया कांग्रेसियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। हमारे सहयोगी ममता लगातार इस प्रदर्शन को कवर कर रही है, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन पहले आप ये तस्वीरें देखिए, कितना मुश्किल इन हालातों में प्रोटेस्ट को कवर कर पाना। लेकिन डटे हुए हैं हमारे सहयोगी, आप तो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं। विधानसभा का घेराव करने के लिए ये कांग्रेसी निकले थे, कांग्रेस के दिग्गज नेता। बलौदा बाजार में जो हिंसा हुई और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने ये प्रदर्शन आज करने का ऐलान किया था। 25,000 कांग्रेसी इस प्रदर्शन में जुटेंगे कांग्रेस का दावा था और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस के नजर भी आ रहे हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं को हैंडल यहां पर कर रही है पुलिस। काफी चैलेंजिंग है, चुनौती भरा है कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकना। और कहीं कभी कोई उग्र होता है तो उसे नियंत्रण में रखना।
बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से की गई थी। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया उन्हें रोकने के लिए और ये बड़ा प्रदर्शन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सड़कों पर आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का देख रहे हैं। ममता लांजेवार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, अभी वहां पर क्या चल रहा है? तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, काफी अफरा तफरी का माहौल है। ममता देख सुन पा रही हैं आप हमें? ममता से वापस कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि वहां पर अभी जो ये प्रदर्शन जारी है कांग्रेस का, उसको लेकर व्यवस्था किस तरह से बनाए रखने के लिए यहां पर सुरक्षा बलों को चुनौतियां आ रही हैं, कैसे कदम उठाए जा रहे हैं, ये तमाम जानकारी आपको देंगे। लेकिन देखिए किस तरह से इस कांग्रेस के प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हैं और जब महिला सुरक्षाकर्मी उन्हें रोक रही हैं तो उसके बाद वहां से चुनौती उन्हें सामना करना पड़ रहा है। रायपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार कांग्रेस के प्रदर्शन की, ये बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस का। ममता एक बार फिर जुड़ गई है, ममता सुन पा रही है आप हमें? तो बताएं वहां पर क्या चल रहा है। पानी के जो छींटे जो है वो छोड़े गए, फव्वारे जो है वो छोड़े गए और पानी के जो छींटे जो है वो छोड़े गए, फव्वारे जो है वो छोड़े गए और तो इस तरह के प्रदर्शन में बड़ा ही चैलेंजिंग रहता है, चुनौतीपूर्ण रहता है रिपोर्टिंग करना, कवरेज करना, और कुछ ऐसा ही चुनौतियां हमारे सहयोगी भी महसूस सामना कर रहे हैं। वहां पर नेटवर्क इशू भी रहता है तो इसलिए बात नहीं हो पा रही, लेकिन लगातार हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और आप तक तस्वीरें तो पहुंचा ही रहे हैं किस तरह से वहां पर ये बड़ा प्रदर्शन आज कांग्रेस कर रही है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उतरे हुए हैं लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए, लेकिन खुद यहां पर चुनौती बन रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर ही। ममता लांजेवार जानकारी मिल रही है, एक बार फिर जुड़ गई है हमारे साथ। ममता सुन पा रही हैं आप मुझे? तो बताएं अभी वहां पर जो स्थिति है। बिल्कुल, देखिए सचिन पायलट भी यहाँ पर प्रोटेस्ट पे पहुंचे हैं और मंडी गेट से थोड़ी दूर पर ही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो पहुंचे थे। उसके बाद में पुलिस ने जो है वो पानी के फव्वारे छोड़ने शुरू किए और अभी भी लेकिन कार्यकर्ता जो है वो जुटे हुए हैं। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैंस के साथ तमाम जो कांग्रेस के पदाधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि इसके बाद भी अगर हम बात करें तो 5 लेयर पे जो बैरिकेड्स है वो तैयार किए गए हैं, इतना मुश्किल तो नहीं लग रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें तो 2-3 बैरिकेड जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिए हैं। एक तरह से कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन भी करना चाहती है और यही वजह है कि अभी अगर हम बात करें तो तमाम जो कार्यकर्ता है वो भारी जोश में दिखाई दे रहे हैं और क्योंकि सचिन पायलट भी मौजूद है, प्रदेश प्रभारी है और वैसे भी अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के बाद एक विपक्ष के तौर पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस का ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है
और विधानसभा घिराव करने की कोशिश और कांग्रेस जो है वो कर रही है। हालांकि विधानसभा नहीं घेर पाएंगे, लेकिन इसके बाद भी अगर आप बात करें तो पूरी ताकत जो है वो कांग्रेस ने यहाँ पर रोक दी है और तमाम आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह की स्थिति जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक तो बारिश भी हो रही है, दूसरी तरफ अगर बात करें तो पुलिस जो है वो लगातार एक तरह से कहें कि पानी के जो फुहारे हैं वो छोड़ रही है और कार्यकर्ताओं को रोकने की जो कोशिश है वो कर रही है, बौछारें छोड़ी जा रही है, लेकिन उसके बाद भी लगातार जो कार्यकर्ता है वो इस वक्त जो है वो मौजूद है और कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से बैरिकेड को तोड़ के जो है विधानसभा की तरफ जा सके। और इस तरफ आप देखेंगे कि काफी धक्का मुक्की जो है पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच भी नजर आ रही है और कई कार्यकर्ता जो है वो कई ऊपर चढ़ गए हैं, अलग अलग जो बिल्डिंग्स है उसमें चढ़ गए हैं और लगातार जो धक्का मुक्की है वो भी दिखाई दे रही है। और आप देखेंगे कि पूरी कोशिश जो कार्यकर्ताओं की है कि वो ये है कि बैरिकेड किस तरह से तोड़े जाए। एक बात और है, सामने नगरी निकाय चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है। और एक बात ये भी है कि तमाम जो लीडर्स हैं जो पूरी तरीके से चाहे लोकसभा में हारे हैं चाहे विधानसभा में हारे हैं कांग्रेस के, क्योंकि प्रदेश प्रभारी आए हुए हैं, तो ऐसे में एक आक्रामक रूप भी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये भी कहा जा रहा है दीपक बैज जी अपने आप को साबित करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि पीसीसी जो है वो बदले जा सकते हैं, तो दीपक बैज जी दिखाना चाहते हैं कि वो अभी भी मजबूत है, भले ही नतीजे जो है उस तरह से नहीं आए, लेकिन उसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो दावेदार होते हैं पीसीसी के और मेंबर्स बनने के या पीसीसी बनने के वो भी अपनी जोर आजमाइश यहाँ पर दिखा रहे हैं जी। बिल्कुल, यहाँ पर हर कोई ये दिखाने की कोशिश भी कर रहा है कि उनके बुलाने पर कितने कार्यकर्ता इकट्ठा हो सकते हैं। कांग्रेस की एका को लेकर भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन मंच पर तमाम दिग्गज एक साथ नजर आए, एक बड़ा संदेश, और तभी ये वजह है ममता के कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जाहिर तौर पर अगर हम देखें तो विपक्ष के तौर पर ये कांग्रेस का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है और जिस तरीके से दीपक दास ने दावा किया था कि 26,000 लोग आएंगे, ये और बात है कि 26,000 ना पहुंचे, लेकिन जो संख्या है वो काफी ज्यादा है और जाहिर तौर पर कांग्रेस के तमाम जो नेता है उनको सेटिस्फाई करने वाली संख्या है, क्योंकि वो कह रहे थे कि चारों तरफ से बैरिकेड्स लगाए गए हैं और कार्यकर्ताओं को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, तो कोशिश ये की गई थी कि चारों तरफ से किस तरीके से किसी तरीके से जो है विधानसभा तक कूच किया जाए। तो ये मंडी गेट है जहाँ पर मंच बनाया गया था और वहाँ से प्रोटेस्ट के लिए जो कार्यकर्ता है वो निकले हुए थे, पदाधिकारी निकले हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो ये भी माना जा रहा है, क्योंकि मैं मंडी गेट के इस तरफ मौजूद हूँ, लेकिन उस तरफ भी तीन लेयर जो बनाई गई थी, जो करीबन 5 लेयर जो बनाई गई है, उस तरफ भी जो कार्यकर्ता है वो मौजूद रखे गए थे ताकि वो किसी तरीके से विधानसभा पहुंच सके। और 30 बजे तक वैसे विधानसभा स्थगित की गई थी, तो तमाम जो लीडर्स हैं और जो विधायक हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तमाम लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी यहाँ पर मौजूद थे, संतराम निकाम जो है वो भी यहाँ पर मौजूद थे, तो ये तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। तो बड़े लीडर्स होते हैं तो कार्यकर्ताओं का उत्साह वैसे भी बड़ा होता है और जब एनएसयूआई से लेकर यूथ कांग्रेस सभी जो है वो यहाँ पर उन लोगों ने अपनी ताकत और जोर आजमाइश दिखाने की कोशिश की है, भारी संख्या में जो है पुलिस बल मौजूद है, गिरफ्तार करने के लिए बसेस लगाई गई है, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो मौके पर तैनात हैं जी। बिल्कुल, तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं ममता, किस तरह से ये बड़ा प्रदर्शन और सरकार पर हमलावर यहाँ पर विपक्ष कांग्रेस पार्टी कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार नाकाम है ये कहते हुए विपक्ष हमलावर है और इसीलिए सड़कों पर उतरा भी हुआ है, लेकिन किस तरह से चुनौती बने हुए हैं कांग्रेसी यहाँ पर सुरक्षा बलों के आगे, वो टीवी स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ने से रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था और लगातार ये बड़ी संख्या में कांग्रेसियों का एकजुट होकर प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरना कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश भी है कि तमाम मतभेद हैं तो हैं लेकिन कांग्रेसी एक हैं और इसीलिए दिग्गजों के बुलावे पर कांग्रेस कार्यकर्ता आज सड़कों पर नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो जिले के पूरे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे प्रदेश भर से जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और जिस तरीके से बारिश का मौसम था तो ये अंदाजा लगाया गया था कि शायद जो उस तरीके से कार्यकर्ता ना पहुंचे, लेकिन आप देखेंगे भीड़ जो है वो बहुत जबरदस्त है और कहीं ना कहीं एक तरह से कहे कि कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए पूरी कोशिश की गई थी और वो जो कोशिश है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है जी। तो ममता जानकारी के लिए।